नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर से बड़ी तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। जगदलपुर बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा जगदलपुर में विकास का काम तेजी से कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर रजत बंसल अधिकारियों के साथ विकास कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले वह प्रियदर्शनी स्टेडियम पहुंचे, जहां फुटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका उद्घाटन भी होना है, जिसे लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। ग्राउंड भी बहुत बेहतर और शानदार बनाया गया है। इसके बाद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल अपनी टीम के साथ जगदलपुर के महारानी अस्पताल पहुंचे, जहां बर्न यूनिट का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल का सपना है कि बस्तर में खेल प्रेमियों के लिए ज्यादा से ज्यादा मैदान बनाए जाए। यही कारण है कि सभी ग्राउंड बस्तर के बेहतर बन चुके हैं। अब प्रियदर्शनी स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड भी बेहतर बन चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बस्तर को खेल की दिशा में पूरे विश्व में आगे लेके आना है। इसी क्रम में हम लोग लगातार विकास का काम यहाँ जिला प्रशासन की ओर से कर रहे हैं, और यही आज हम प्रियदर्शनी स्टेडियम में है, जिसका भी लोकार्पण के लिए लगभग तैयार है। वहाँ भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड बना है, साथ में सिंथेटिक ट्रैक है। अपने आप में ये इस प्रकार का ग्राउंड है जहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। फीफा ने के भी बोर्ड ने इसको सत्यापन किया है। साथ में अन्य खेल की सुविधाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस से लेकर के जो इंडोर स्टेट जो खेल हैं, चाहे वो टेबल टेनिस का हो, चेस का हो, उसका भी यहाँ पर सुविधा है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर जिम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इस प्रकार से प्रियदर्शनी स्टेडियम को इस तरह का रूप दिया गया है कि हर खेल का खिलाड़ी यहाँ पर फ़ायदा पहुँच सकता है उसको, और आगे चल के वो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है।